नवरात्रि का आज छठा दिन है। इस दिन देवी दुर्गा का षष्ठम स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। माँ कात्यायनी अमोघ फलदायिनी है। माँ का ये स्वरूप संयम और साधना का प्रतीक है। माँ की कृपा से स्वास्थ्य संबंधी सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। भगवान कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने इन्हीं की पूजा तट पर की थी, इसीलिए ये ब्रज मंडल की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती है। मान्यता है माँ कात्यायनी की पूजा से इंसान अपनी इंद्रियों को वश में कर सकता है, उसे सफलता, प्रसिद्धि और समृद्धि का आशीर्वाद मिल सकता है। ज्योतिष में बृहस्पति का संबंध माँ कात्यायनी से माना जाता है। अगर किसी का भी बृहस्पति कमजोर हो तो उन्हें आज के दिन माँ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। माँ की कथा का क्या महत्व है, गर्भवती को उनसे जुड़ा क्या ध्यान अपनी संतान को जरूर करवाना चाहिए, यह मैंने अपने दूसरे चैनल के वीडियो में दिया है, जिसका लाभ आप जरूर लेवे। आज की पूजा में आपको विशेष क्या करना है वह आज बता देती हूँ। सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लाल या मेहरून रंग के कपड़े पहने। माँ कात्यायनी के साथ साथ माँ दुर्गा के अन्य स्वरूपों का ध्यान करें। पूजा स्थल पर गंगा जल डालकर शुद्धि करें। माँ दुर्गा की प्रतिमा हो तो उसका गंगा जल से अभिषेक करें। माँ को अक्षत, सिंदूर, गेंदे के फूल, चंदन, रोली अर्पित करें। माँ को भोग के रूप में शहद जरूर चढ़ाएं। माँ कात्यायनी की कथा पढ़े या सुने। घी और कपूर से बने दीपक से माँ की आरती उतारें। आपके पास ज़्यादा समय नहीं है तो दुर्गा गायत्री मंत्र ओम गिरिजाय च विद्महे शिव प्रयाय च धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात का जाप कर सकते हैं, या आप माँ कात्यायनी के बीज मंत्र का 11 बार जाप कर सकते हैं, ओम रिम क्लिम कात्यायनी नमः। अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो दुर्गा सप्शती किताब से देवी कवचम, अर्गला स्तोत्रम, कुंजिका स्तोत्रम, फिर अध्याय 9 और 10 का पाठ करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें। पूजा के जल का अर्घ्य जरूर समर्पित करें। घर के बड़े साथ हो तो उनसे आशीर्वाद लेकर आज की पूजा पूर्ण करें। सभी को सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद।